Assalamu alaikum students. Vitali, today we are going to discuss the relation between linear and angular variables. देखिए, हमने chapter 5 का start किया और हमने उसमें ये देखा है कि जो है इस chapter में हम angular variables पढ़ रहे हैं, sir, angular velocity, angular displacement, angular acceleration. तो हम ये देखना चाहते हैं कि linear और angular variables के दरमियान क्या ताल्लुक है, कौन सी इनकी equations है, क्या कहानी है, सारी बातों पे हम बात करेंगे. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेट मी स्टार्ट. देखिए, कहानी कुछ यूं है कि हमारे पास जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनकी इक्वेशंस पहले तो हम लिखते हैं. पहले बेटा आप इक्वेशंस कन्वर्ट करें सारी. लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन में हमारी सारी इक्वेशंस ट्रांसफर हो जाएंगे. मसलन पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी. इधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी सर? वी की जगह पर आपने ओमेगा पढ़ा बेटा, ओमेगा आई प्लस अल्फा. ठीक है, इस तरह बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी बेटा. एस इज इक्वल टू वी आई डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. एस की जगह पर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे बेटा, और वी आई की जगह पर ओमेगा आई डी प्लस हाफ अल्फा डी स्क्वायर आ जाएगा. अब 2as is equal to आ जाएगा vf square minus vi square, और ये आ जाएगा 2 alpha theta is equal to omega f square minus omega i square. ठीक है सर. इसी तरह बेटा जी और बहुत सारी equations जो है वो convert की जा सकती है, लाइक momentum. momentum है ना, यहाँ linear में p is equal to mv, तो angular में क्या हो जाएगा सर? l आएगा यहाँ, m की जगह पर i, और यहाँ omega आ जाएगा. तो यूँ हम सारी इक्वेशंस को बेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है सर. तो हमारे पास जो पावर का फार्मूला है, मसलन पावर जो है लीनियर मोशन में एफ वी है, तो एंगुलर मोशन में क्या होगा? पी इज इक्वल टू एफ फोर्स की जगह पर टॉर्क, और यहाँ ओमेगा आएगा. और वर्क, वर्क जो लीनियर मोशन में एफ डी है, तो एंगुलर मोशन में क्या होगा सर? एंगुलर मोशन में जो वर्क है दैट विल बी टॉ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. तो देखिए, मैं सारी लीनियर मोशन की इक्वेशंस को एंगुलर मोशन में ट्रांसफर कर दिया मैंने. ठीक है सर, इट्स ओके. अब देखते हैं कहानी क्या है, इनके दरमियान ताल्लुक क्या है. ये बात बड़ी खूबसूरत है, गौर से सुनिएगा. हमने पढ़ा है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा. अब ये सारे वेरिएबल्स जो है वो लीनियर है, और ये सारे वेरिएबल्स एंगुलर है. ओके सर, तो इनका आपस में ताल्लुक भी है वो हम देखेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात बता दूं जो बुक में नहीं लिखी हुई बेटा. इट इज टू मच इम्पोर्टेंट फैक्टर सर. क्या? कि अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा? वी को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आर, और ए को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा क्रॉस आर. इसी तरह एस को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा क्रॉस आर. और यहाँ से ये नजर आ रहा है कि लीनियर वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, लीनियर एक्सेलरेशन भी इसके परपेंडिकुलर होगा. यहाँ एक और बात बता दूं कि ये जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, और लीनियर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है. तो सो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी. इट इज टू मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा, इट इज टू मच इंपॉर्टेंट. लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, इनका ताल्लुक क्या है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू शेयर करते हैं और फिर हम यहाँ बात को खत्म करेंगे. कहेंगे क्या ये नेक्स्ट में बारह आने वाला क्वेश्चन है, जो मैं आपसे तफसील से शेयर कर लेता हूँ. देखिए कि एक रोटेटिंग बॉडी है, ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल, थ्री पार्टिकल्स आर एट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, विच विल हैव मोर टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी. किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? देखिए पूरी बात को क्लियर करते हैं. फर्ज करें ये फैन का एक विंग है, इसके ऊपर तीन पार्टिकल्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है. इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इसका 3 सेंटीमीटर है,
और इसका 5 सेंटीमीटर। आपको पता जब ये फैन का विंग घूमता है तो इसके ऊपर बैठे हुए पार्टिकल जो है सर्कल में मूव करते हैं बेटा, ठीक है सर। मैंने ये पूछा कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो बात बहुत सादा सी है कि पंखे के पर के एंड के ऊपर जो पार्टिकल उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, अगर आप वहाँ चीज़ों में चिपकाएं तो एकदम स्किड करके जल्दी जल्दी दूर जाकर गिरेगी। सर फिजिक्स क्या कहती है इसके बारे में, देखे ना फिजिक्स ये कहती है कि वी इज इक्वल आर मेकर, जिस पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि जो 5 सेंटीमीटर पे पार्टिकल है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। सर ये सी की स्पीड बी से ज़्यादा है और बी की स्पीड ए से ज़्यादा है। अच्छा अगर इसी एम सी क्यू में मैं पूछता हूँ विच विल हैव मोर एंगुलर वेलोसिटी, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। एंगुलर वेलोसिटी बेटा याद रखें बराबर है वी ओवर आर, और ये कांस्टेंट है, जिस पार्टिकल का आर ज़्यादा उसका वी भी तो ज़्यादा है। ओमेगा कांस्टेंट ही रहेगा मेरा बेटा, ओमेगा विल रिमेन द कांस्टेंट, ठीक है सर। ये बात हमें समझ आ गई है कि तमाम एंगुलर वेरिएबल्स जो होते हैं तमाम पार्टिकल्स के लिए इन सब का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होंगे। यहाँ मैं लिख लूँ कि एंगुलर वेरिएबल्स जो है रोटेटिंग बॉडी पर सेम होते हैं और लीनियर वेरिएबल हमेशा डिफरेंट होते हैं। हर पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन होगा, सारे पैरामीटर्स चेंज होंगे सर, ठीक हो गए। अच्छा यहाँ जो मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स को वो मैं आपसे क्लियर कर लूँ सर। मिसकंसेप्शन क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि भाई देखे ना आर जिसका ज़्यादा होगा उसका ओमेगा कम होगा, बेटा ऐसा नहीं है सर। उसकी वजह क्या, क्योंकि ये डेफिनेशन ही नहीं है ओमेगा की। ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ओमेगा की डेफिनेशन है थीटा बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। डेफिनेशन पे जाएँ आप, आपको सारी बात समझ आएंगे। ये जो तमाम पार्टिकल्स हैं जब मूव कर रहे हैं तो पूरे तमाम पार्टिकल्स कितना एंगल बना रहे हैं 360 डिग्री, और सबके लिए टाइम भी क्या है सेम, एंगल भी सेम है टाइम भी सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो बिल्कुल ही सेम होगी। तो तमाम पार्टिकल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ए की बी की सी की सब की एंगुलर वेलोसिटी बेटा सेम होगी। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल एंड एंगुलर वेरिएबल्स। बेटा मैंने जो बातें सब की हैं मैं बता दूँ कि हमने लीनियर वेरिएबल्स भी पढ़े हैं एंगुलर वेरिएबल्स भी, उनका क्या ताल्लुक है वो मैंने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने कहा कि रोटेटिंग बॉडी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उन सब के लिए एंगुलर वेरिएबल सारे सेम होते हैं बेटा, एंगुलर वेरिएबल सारे सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। ये बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ से एक बात बुक में लिखा है जुमला कि सो एंगुलर वेरिएबल्स डू हैव द सेम वैल्यू ऑन द रोटेटिंग बॉडी, सो एंगुलर वेरिएबल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द रोटेशन ऑफ मोशन। लिहाजा इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ को स्टैंडर्ड बनाना होता है जो चेंज ना हो, तो ये चेंज नहीं होते। तो ये सारी बातें बेटा हमने करनी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके चल अल्लाह हाफिज़।